फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। तो आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहती हैं तो घर में आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। जैसे कि आप मेरे पास देख पा रही हैं कि मैंने दो यूरिन सैंपल लिए हुए हैं, एक में प्रेग्नेंट लेडी का है, एक जो प्रेग्नेंट नहीं है। और हम करेंगे नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट। ये दो सैंपल मैं इसलिए लग के दिखा रही हूँ आपको कैसा दिखाई देगा अगर आप प्रेग्नेंट होंगी, और आप प्रेग्नेंट नहीं होगी तो आपको कैसा रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर कुछ सिम्टम्स फील होंगे। आपको पहले ये पता करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि ये हैं। सबसे पहले, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपकी पीरियड डेट, जो भी एक्सपेक्टेड डेट है, जिस दिन भी आपको पीरियड आते हैं, उससे 5 दिन पहले आपको स्पॉटिंग हो सकती है। स्पॉटिंग यानी हल्का सा आपको खून के धब्बे आ सकते हैं, वो आकर के रुक जाता है। उसका मतलब हो सकता है आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, उसका मतलब होता है आप प्रेग्नेंट हैं। और इसके अलावा पीरियड डेट से पहले आपको मतलब फील हो रहा है कि पीरियड आने वाला है लेकिन पीरियड नहीं आता है, तो ये आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम है। इसके अलावा दूसरा लक्षण, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ब्रेस्ट में भारीपन, ब्रेस्ट में पेन फील होना, ये प्रेगनेंसी के सबसे शुरुआती लक्षण है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपके अंदर हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो होते हैं आपके, इनका लेवल घटता या फिर बढ़ता है। तब आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे जब घटता बढ़ता है तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो आपके अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को लूज मोशन और किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ये हर लेडी में अलग अलग हो सकता है। तो ये आप, अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप आसानी से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है मॉर्निंग यूरिन सैंपल की, यानी कि जो भी आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं वो आपको लेना है, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और आपको इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या चाहिए, नमक। नमक सभी के घरों में होता है, नमक से, सॉल्ट से आप आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है, हमने जैसे यूरिन सैंपल लिया हुआ है, मॉर्निंग यूरिन सैंपल आपको लेना है। फर्स्ट लेना कब है, ये टेस्ट कब करना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये टेस्ट आपको, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उस दिन आपको पीरियड नहीं आएगा, उसके बाद आपको 5 दिन का वेट करना है, यानी कि 5 दिन का वेट करने के बाद आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। 6ठे दिन आपको ये टेस्ट लगाना है। प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए यूरिन सैंपल, जो कि आपको फर्स्ट यूरिन जो आप पास आउट करती हैं वो लेना है, मॉर्निंग वाला। और उसको किसी भी साफ चीज़ में आपको लेना है जिसमें पानी ना हो, बिल्कुल सूखा हो, ड्राई हो। तो उसके बाद, उसमें लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने नमक लिया हुआ है, नमक को मैं डालने जा रही हूँ इसमें। देखिए, इतना नमक हमें लेना है और हमें अपने यूरिन सैंपल में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम इसमें भी डाल देते हैं। अब हमें कम से कम 2 से 3 मिनट का वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें एक लेयर दिखाई देगी और हल्के से बबल्स दिखाई देंगे, उसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अब देखते हैं, देखिए इसमें बिल्कुल वैसा का वैसा नमक जाके, कोई लेयर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, इसका मतलब है प्रेग्नेंट नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और इस पर आपकी 2 से 4 मिनट के बाद एक लेयर भी जम जाती है, तो आप आसानी से, इसका मतलब है ये प्रेग्नेंट है। तो आप आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको अगर लग रहा है तो आपको किट से प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर लेना चाहिए, किट बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। तो आपको 50 रुपये की किट मिल जाती है, किट में आपको 2 ड्रॉप्स यूरिन की डालनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसमें 2 मिनट में, जैसे आपकी 2 पिंक लाइनें आती हैं, पिंक लाइन आएंगी तो उसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है, 1 लाइन आएगी तो उसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।